नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशं आनंदि वल्लभं गोविंद देवं वतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। गीता के प्रेमियों, आज हम छठे अध्याय के अंत में हैं। आज छठा अध्याय पूर्ण हो जाएगा और फिर ये इसका नाम क्या है इस अध्याय का, आत्मसंयम योग। तो ये अध्याय आज पूरा हो जाएगा और फिर जब ये समाप्त होगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ आत्मसंयम प्राप्त हो ही रहा है। तो चले देखते हैं कल तक क्या बतलाया। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो अयते श्राद्धयोपेतो योगा चलित मानसः, उसकी गति क्या होती है, और उसको उत्तर दे रहे हैं भगवान। उसमें दो पर्याय बता दिए हैं कि एक तो पहली बात तो ये है कि उनकी कभी दो गति तो होती ही नहीं। दो ही पर्याय हैं, या तो शुचीनाम श्रीमताम ये है अथवा योगी नाम एव कुले। ठीक, उसके बाद ही क्या बतलाते हैं भगवान ही बोल रहे हैं। तत्त्वतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुमुनन्दना। यहाँ पे देखिए संबोधन किया है कुमुनन्दना, जानबूझ के अर्जुन को उसके एक पवित्र कुल की याद दिला रहे हैं। वो भगवान कैसे हैं, भगवान कहते हैं, पहले ही बता दिया कि शुचि नाम श्रीमतांगे, जो योग भ्रष्ट होते हैं उनका जन्म शुचि कुल में होता है और तुम्हारा भी वैसे ही हुआ है, तुम कुनंदन हो। और इसलिए बतलाया है कि हे कुनंदन, क्या होता है, या तो शुचि नाम श्रीमतांगे है या फिर योगी नाम कुले। तो तत्र याने उस नए जन्म में, ये जो नया जन्म पा लिया वहाँ क्या हुआ, बालक जो पैदा हुआ, तम पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते, उसको पौर्वदेहिक यानि पूर्व देह का, यानि पूर्व जन्म में जो देह उसका था, उस देह के द्वारा उसने जो कुछ भी अर्जित किया था वो सब का सब उसको मिलता है संस्कारों के रूप में। बुद्धि संयोगम, संयोग यानी जुड़ना, और बुद्धि संयोग जो उसकी पूर्वजन्म की बुद्धि थी, बुद्धि पर जो जो पूर्वजन्म में संस्कार थे उन सारे संस्कारों के साथ उसका यह जन्म होता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा होता तो नहीं, हम या हमारे परिचित जितने भी हैं किसी को अपना पूर्व जन्म तो याद नहीं आता, ये कोई नहीं कहता कि हम पहले कौन थे, फिर ये ऐसे कैसे। बात ये है कि जो योग भ्रष्ट होंगे, अर्जुन को भी कहाँ याद है कि मैं कौन था, लेकिन अर्जुन है तो योग भ्रष्ट, इसलिए तो अच्छे कुल में जन्म लिया है उसने। बात ये है कि उसके लिए साधना करनी पड़ती है। यह सब योग सूत्रों में लिखा है कि हम में वो क्षमता है, लेकिन क्षमता को भी विकसित करना पड़ता है। देखिए, भगवान ने बुद्धि तो सबको दी, भगवान कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते, सबको बुद्धि देते हैं। हाँ, मगर ये हम पर है कि हम कितने बुद्धि का उपयोग करते हैं और वो बुद्धि किस दिशा में ले जाते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर है। यहाँ यही बात बतलाई है कि उसको
पौव देहिकम बुद्धि संयोगम सह लभते, ये तो उसको मिलता ही है पौव देह का बुद्धि संयोग, परंतु सभी कोई उसका उपयोग नहीं करते। क्या है, मैंने शायद कल भी बताया था कि यम जो है मृत्यु देवता है, उनका पूरा नियंत्रण हमारे देह पर है, वो देह ले जाते हैं, संस्कारों पर उनका भी नियंत्रण नहीं है, अधिकार नहीं है। संस्कार जो है, संस्कारों के साथ वो आत्मा दूसरे देह में प्रवेश करती है। तो यहाँ ये बतलाया है, तत्व तम बुद्धि संयोगम लभते पौव देहिकम, फिर क्या होता है, यतते चतो भूय संसिद्ध भूय भूय यानि फिर से यानि देखिए, उसका जन्म जो है अच्छे कुल में क्यों हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ पुण्य संचित किया था, ठीक, उस पुण्य के बल पर ये जन्म मिला। अब यहाँ भूया यानी फिर से यतते यानी प्रयत्नशील रहता है। अब फिर से इस जन्म में आने के बाद वो फिर से प्रयत्नशील रहता है अधिक तत्परता से, काहे के लिए, संसिद्धौ यतते, संसिद्धि के लिए, सिद्धि यानी साधारण सिद्धियाँ जो अष्ट सिद्धि हैं, अणिमा गरिमा इत्यादि, बोलने को तो मैं बोल गई कि साधारण सिद्धियाँ, ये सिद्धियाँ भी साधारण नहीं हैं, लेकिन परासिद्धि के सामने ये नगण्य है। परासिद्धि यानी मोक्ष है समसिद्धि, समसिद्धि सम उपसर्ग है, सम्यक सिद्धि समन्तात् सिद्धि ये है, तो समसिद्धि यानी मोक्ष। तो भूय यतते, इस ये नया जन्म पाकर भी वो संसिद्धि के लिए यानी मुक्ति के लिए यतते प्रयत्नशील रहता है। कैसे, किसके बल पर, पौव दैहिकम बुद्धि संयोगम लभते, जो उसको पूर्व देह में यानी पूर्व जन्म में जो देह था, उस देह के द्वारा उसने जो कुछ भी पुण्य कर्म किया होगा, उसके बल पर जो संस्कार मिले, उन संस्कारों के साथ ये नया जन्म पाया, और इस नए जन्म में भूया यानी फिर से वो प्रयत्नशील रहा, ठीक है। फिर क्या होता है, देखिए अगला श्लोक है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। बहुत बड़ी बात कह गए हैं भगवान ने बोला कि तेनैव पूर्वाभ्यासेन, वो जो पूर्वाभ्यास था, पूर्वाभ्यास यानी पूर्व जन्म में किया हुआ योग का अभ्यास या साधना, जो भी साधना उस जन्म में की थी, उसके बल पर तेनैव एव बतलाया है, एव यानी ही, उसी साधना के बल पर, उसी पूर्वाभ्यास के बल पर क्या होता है, अवश्य ह्रियते, बड़े सुंदर शब्द है, ह्रियते, ह्रियते में धातु है रु, हरति यानी हरण करके ले जाना, हम जो बोलते हैं ना अपहरण किया, वो हरण में वही धातु है, उसी धातु से यहाँ बोला है ह्रियते, माने ह्रियते माने क्या, यहाँ ये बतलाया है कि वो भी खींचा चला जाता है। अपहरण करते हैं तो जबरदस्ती देह को लेके जाते हैं, उसको हम अपहरण कहते हैं, यहाँ उसको खींचा जाता है माने मानसिक रूप से, देह नहीं उसकी जाती कहीं, देह तो जहाँ है वहीं है, लेकिन तेनैव पूर्वाभ्यासेन, जो वो पूर्व साधना का अभ्यास था, यानी उन संस्कारों के कारण उसकी बुद्धि जो है अभ्यस्त बन गई है, वो पूर्वाभ्यास चलता ही जा रहा है, चिंतन की वही प्रक्रिया चालू है, और उसके कारण वो कैसा है, अवश्य
बेबस है, अवश है, उसको नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, सोचता भी नहीं है कि मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन वो बराबर भगवान की ओर ही जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारा मन क्यों प्रवचन की ओर झुकता है, क्यों ऐसा नहीं लगता। सारे के सारे लोग तो बोलते हैं चल पिक्चर देखेंगे, चल ऑर्केस्ट्रा सुनेंगे, और मुझे भी एक उम्र तक, एक वयस तक अच्छा लगता था वो, अब क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है, ये पूर्वाभ्यास है। पूर्वाभ्यास कहता है उस जन्म में जो भी ये साधना की है उसके संस्कार हम पर पड़ते हैं और हम अवश्य हो जाते हैं। जैसे जिसका अपहरण किया जाता है उसका देह जो है वो बेबस हो जाता है, उसको खींच के ले जाता है कोई दुष्ट, ये तो देह के अपहरण की बात हुई। यहाँ इसका मन जो है वो अवश्य हो गया है, अवश्य हो गया बुराई नहीं है, यहाँ निगेटिव मत लेना, यह अवश्य होता है माने इस संसार में लगता ही नहीं। क्या बात थी कि ये जो ज्ञानेश्वर के पिताजी थे विठल पंत, युवा था, पत्नी सुंदर थी, पत्नी स्नेहिल थी, प्यार करती थी, सब कुछ अच्छा था, क्यों नहीं उनका मन लगा। ये कुछ जो भी था पूर्वाभ्यास था, अवश्य थे वो, तो बाद में उनको उनके गुरुजी ने भेज दिया, बाद में ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ, ये बातें बाद की बात है। लेकिन आयन जवानी में क्यों ऐसी विरक्ति आ गई, ये कौन था जिसने उसको अनासक्ति की ओर खींच लिया, ये है पूर्वाभ्यास। तो यहाँ ये बतलाया है तेनैव पूर्वाभ्यासेन अवशापि, वो बेबस हो जाता है और रियते, रियते माने खींचा चला जाता है, पैसिव वॉइस है यहाँ पर, वो खींचा, उसको खींच लिया जाता है अवश्य होकर, वो खींचा चला ही जाता है। किस ओर, परमात्मा की ओर, ब्रह्म तत्व की ओर, फिलोसफी की ओर, वो अपने आप खींचा चला जाता है, क्यों पूर्वाभ्यास है। यहाँ एक वाक्य समाप्त है, दूसरी पंक्ति में दूसरा वाक्य है कि जिज्ञासुपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। देखिए वस्तुतः वो ज्ञानी नहीं है, अभी जिज्ञासु है। अब अगला ही जो है ना सातवां अध्याय, उसमें आपको भक्त के चार प्रकार बतलाए जाएंगे, उसमें दोनों हैं, ज्ञानी भी है जिज्ञासु भी है। यहाँ जिज्ञासु बोला है, जिज्ञासु माने जिसको जिज्ञासा है, जिसके मन में जानने की ललक है, वो है जिज्ञासु। अब ये काहे का जिज्ञासु है, योग का, योग यानी जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ जाना है। देखिए ये जुड़ना भी चार प्रकार का है, मुक्ति मुक्ति जिसको हम कहते हैं वो भी चार प्रकार के, सायुज्य तो सबसे ऊपर है, सायुज्य माने भगवान में एक ही हो जाना, भगवान में लीन हो जाना, वो तो अंतिम है। लेकिन हरेक की क्षमता, या क्षमता ही बोलूँगी, हरेक की क्षमता उतनी नहीं होती ना, तो क्या होता है, कोई लोग सलोक तपाते हैं, कोई लोग समीप तपाते हैं, कोई लोग स्वरूप तपाते हैं, ये भी मुक्तियाँ हैं। सलोक यानी उसके लोक में प्रवेश मिलता है, विष्णु भक्त है उसको वैकुंठ में प्रवेश मिला, वो तो वैकुंठ में मिला, अभी तक वो विष्णु के पास नहीं गए, वैकुंठ तक हो गए, फिर सलोकता के बाद समीपता, जिसकी अधिक ये है साधना अधिक है उसको समीपता मिलती है, यानी सलोकता तो मिली ही मिली,
वैकुंठ में प्रवेश तो मिला ही, उसके बाद वो साक्षात भगवान के समीप तक पहुंच गए। फिर क्या होता है उसके बाद की स्थिति है सर्वपता। सर्वपता यानी जैसे भगवान है, हमारा मन में जो भगवान की छवि है वही ना, चार हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारी है, वैसी ही छवि इनकी भी हो जाती है। सर्वपता उनका भी रूप वैसे ही बन जाता है। यहाँ तक तो ये सीढ़ियाँ हैं, सोपान है। अंतिम जो है वो सायुज्य है। सायुज्य यानी वो भगवान ही बन गए, फिर कुछ बचे ही नहीं, उनमें उनका कुछ नहीं बचा। यहाँ ये बोला है कि जिज्ञासु है। क्यों है जिज्ञासु? पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, पूर्वाभ्यास है ना, और इसलिए योगस्य जिज्ञासु है। उसको योग के प्रति जिज्ञासा है। योग यानी जुड़ना, चाहे इन चारों में से कोई भी मिल जाए, जुड़ना है। सलोकता ही मिले लेकिन जुड़ना है, ठीक। तो योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अतिवर्तते ने लांग जाता है, ठीक है। किसको लांग जाता है? तो ये कहा है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म बहुत ही विलक्षण शब्द है। शब्द ब्रह्म कहा जाता है वेदों को, ठीक। शब्दों के रूप में ब्रह्म तो वो है वेद। अब ये जो वेद हैं इनमें से भी क्या है? आपको मालूम है कि वेदों का 80% भाग जो है कर्मकांड का है और 20% केवल ज्ञान कांड है। तो उसमें जो जिसको हम क्या कहेंगे कर्मकांड है, उसमें भी काम्य कर्म होते हैं ना। कुछ भी मन में कामना रख के कर्म किया, तो जो काम्य कर्म भाग है, साधक संजीवनी का बता रही हूँ मैं, ये सब राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी में लिखा है। उन्होंने कहा है कि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते का मतलब ये कि जो योग का जिज्ञासु है, जो भगवान के साथ एक होने के लिए जिसकी सारी, इसके सारी क्या बोलेंगे, सारे प्रयास, सारे साधना भगवान से एक होने के लिए है, ऐसा जो है तो वो जिज्ञासु है। सही माने में अभी तक उसको पूरा ज्ञान नहीं मिला है, तो जिज्ञासु अवस्था में भी वो शब्द ब्रह्म के परे जाता है। इसका मतलब क्या? काम्य कर्मों को लांग जाता है। कर्म तो करेगा लेकिन उनमें कामना का भाव नहीं रहेगा। ये बात है। ये किस में होती है? जो जिसको पूर्व जन्म का कुछ मिला है, पूर्व जन्म का संचित पुण्य जो है उसका, उसके बल पर, उसके कारण वो जिज्ञासु हुआ है, और जिज्ञासु होते हुए भी उसके मन में वेद तो पढ़ता है, सब करता है, लेकिन काम्य कर्मों के प्रति उसकी रुचि नहीं, ठीक। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते क्या है? अभी ये छठाई अध्याय चल रहा है, इसी के शुरू में आया है योगारूढ़ शब्द। वहाँ पे भी भगवान ने यही बताया है कि योगारूढ़ की स्थिति पाने तक कर्म आवश्यक ही है, परंतु तो एक बार योगारूढ़ हो गए फिर कर्मों की उतनी आवश्यकता नहीं होती। कौन से कर्मों की? सकाम कर्मों की। कामना ही नहीं बचती ना, कुछ कामना ही नहीं है तो उस कामना के लिए हम कर्म क्यों करें? मगर हाँ, समष्टि के लिए कर्म तो करने ही है, ठीक। यहाँ क्या बतलाया है? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासोऽपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। यद्यपि वो अभी जिज्ञासु है, ज्ञानी नहीं हुआ है, तो भी वो शब्द ब्रह्म के परे हो ही जाता है। फिर आगे क्या बतलाया है?
प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। इसलिए बताया है कि परागति जो है, परागति यानी वही सायुज्य मुक्ति, भगवान से एक हो जाना, भगवान में मिल जाना, उसी में मिट जाना, स्वयं के अस्तित्व का बोध ही न रहना, ये तब होगा। ये है परागति। ये कब होगी? देखिए, जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, ये तो बता दिया। शब्द ब्रह्म को लांघ गए, इसका मतलब काम्य कर्मों के परे गए, यहाँ तक तो है, यहाँ उसके उसके साथ ये बतलाया है कि जो यतमान है, प्रयत्नाद यतमान तु, जो यतमान है माने जो प्रयत्नशील है, यत धातु का अर्थ वही है, प्रयास करना, जो प्रयत्नशील है, काहे के लिए प्रयत्नशील है? मुक्ति के लिए, ठीक है, परंतु प्रयत्नाद यतमानस्तु, यहाँ यत शब्द क्यों डाला है? प्रयास काहे के? साधना जो करता है ना, वो यदि ध्यानस्थ बैठा है, उसको मैं कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ यही भावना नहीं होती, वो ध्यान में ऐसा डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं कि मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। यानी प्रयास में जो कष्ट की भावना होती है वो है ही नहीं, वो उसके परे हो गया। मैंने कई उदाहरण दिए थे ना कि जो कोई बैठ गए दो दो दिन, तीन तीन दिन समाधि में ही बैठे हैं, ना उन्हें अपने देह धर्म है, ना कुछ है, ना कुछ है। अब जब कुछ करना ही नहीं है तो यतमान काहे का, प्रयत्न काहे का? भूख ही नहीं लग रही है तो जाके उठना, खाना खाने बैठना, रोटी का टुकड़ा तोड़ना, मुंह में डालना, ये सारा प्रयत्न करने की गरज ही क्या है? कुछ नहीं। परंतु यहाँ ये बोला है कि जो प्रयत्न यतमान, यानी जो साधना में, तपस्या में, योग साधना में, यानी प्राणायाम में या ध्यान में या धारणा में, प्रत्याहार में, कम से कम जो इनमें जो प्रयत्नशील है और यतमान है, प्रयत्न करता ही रहता है, तो संशुद्ध किल्बिष हो जाता है, उसके सारे किल्बिष, किल्बिष यानी बुराइयाँ, हाथ से बुरे काम तो होते ही नहीं, लेकिन मन में भी विकार नहीं आते, जो हम षड्रिपु कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनमें से कुछ भी उसके मन में नहीं आता। ये मानसिक विकार भी किल्बिष है, हाथ से किया हुआ बुरा कर्म वो भी किल्बिष है। कभी कभी सोचते नहीं कि हम किसी का बुरा करें, फिर भी अनावधान से प्रमाद कहते हैं उसको, प्रमाद भी एक तरह का किल्बिष है। अनावधान से किसी का बुरा हो जाता है हमारे हाथ से, हम सोचते नहीं कि मेरे इस शब्द से उसे दुख होगा, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, अनावधान से कोई शब्द निकल जाता है मुँह से और उससे किसी का अंतःकरण दुखी हो जाता है। यदि ऐसा होता है वो भी किल्बिष है। खास पाप कर्म तो हम लोग करते नहीं, लेकिन ये गलती से दुख कुछ होता है, या किसी के लिए मन में भी कुछ भावना पैदा होती है कि अरे इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं जाके उसको सबक सिखाऊंगा, ये भी एक तरह से किल्बिष है। तो जिसके मन के सारे विकार नष्ट हो गए, केवल मन में किल्बिष होता है ऐसा नहीं, बुद्धि में भ्रम होता है वो भी किल्बिष है। संशय आता है, संदेह उत्पन्न होता है,
ये सामान्य बुद्धि के काम है। तो ये बुद्धि जो है उसमें भी किल्बिश हो सकते हैं। किल्बिश जो है वे मन में भी पैदा होते हैं, बुद्धि में भी, और उनको मूर्त रूप दिया जाता है हाथ से, हमारे देह से। तो ये किल्बिश जो है तीनों तरफ प्रवास करते ही रहते हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां। ठीक, यहाँ ये बतलाया है भगवान ने कि जो संशुद्ध किल्बिश हो गया, यानी जिसके सारे किल्बिश संशुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए माने धुल गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। ठीक, कब होंगे? यतमान रहेगा तब। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। जो योगी प्रयत्न पूर्वक अपने देह को उसमें ढाल करके, साधना में रत हो करके, मन को और बुद्धि को उसी प्रकार प्रशिक्षित करके, अनुशासन में डाल करके, जो संशुद्ध किल्बिष हो गया, संशुद्ध किल्बिष हो गया माने जिसके सारे के सारे बुराइयाँ धुल गई, नष्ट हो गई, तो वो जो है वो अनेक जन्म संसिद्ध होता है। केवल सिद्ध नहीं कहा, संसिद्ध कहा, पूरी तरह से समन्तात् संपूर्णतया सम्यक रीत्या। ये सम जो है ना, उसका कुछ भी अर्थ लगाइए तो वो संसिद्ध होता है, यानी संपूर्णतया सिद्ध होता है। उसके पहले भगवान ने बोला है अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों से वो संसिद्ध होता जाता है। होता क्या है? एक जन्म में योगाभ्यास किया, अर्जुन का वही तो प्रश्न था कि जीवन भर योगाभ्यास किया लेकिन अंत में स्खलन हो गया तो उसकी गति क्या। उसी के उत्तर में ये सब प्रवचन है कि वो क्या हुआ कि गत जन्म में तो किया ही था योगाभ्यास, हाँ ठीक है, अंतिम क्षण में उससे विचलित हो गए, भ्रष्ट हो गए समझो, ठीक है, किंतु वो तो अभ्यास किया हुआ था, तो वो उस जन्म का। यहाँ अनेक जन्म क्यों बोला है? एक तो उस जन्म में, फिर क्या बतलाया है कि ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्म करने वालों का लोक उसे मिलता है। अब ये क्या हो गया, ये जो अच्छे लोक मिल गए, मान लीजिए स्वर्ग मिल गया, अब स्वर्ग में भी तो भोग है ना, केवल स्वर्ग में कर्म कहाँ है, कुछ करना ही नहीं है, केवल भोगना है, अमृत पान करना है, वहाँ कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक, लेकिन वहाँ पे भी अमृत है, उसका पान करना है ना, भोग हो गया ना, स्वर्ग एक भोग भूमि है, लेकिन ये जो है ये वहाँ पर भी स्वर्ग में भी भोग में उसकी अरुचि है। देखिए वो भोग की ओर नहीं दौड़ता, अप्सराओं के पीछे नहीं दौड़ता, अमृत के लिए नहीं दौड़ता, उसका इन सब के लिए उसके मन में अरुचि है। ये क्यों है? वहाँ पे भी उसका मन जो है वो योगी का ही है। संस्कार ही तो जाते हैं वहाँ, देह थोड़ी जाता है स्वर्ग में, स्वर्ग में संस्कार ही गए हैं, और वो जो है यानी सूक्ष्म देह जाता है, तो ये सूक्ष्म देह माने वही है संस्कार, तो ये जो संस्कार है वो वहाँ जाते हैं तो भोग की ओर देखते भी नहीं। कुछ लोग स्वर्ग में जाने के बाद भी यदि भोगों की ओर उनका मन गया तो उनका पुण्य जल्दी ही समाप्त होता है, उन्हें जल्दी ही दूसरा जन्म लेना पड़ता है, और वो हो सकता है कि वो शुचि नाम श्रीमतम गेह ना हो। अब ये तो चित्रगुप्त जाने, हम कैसे जाने। तो यहाँ ये बतलाया है कि वो अनेक जन्म संसिद्ध, यानी एक तो वो पूर्व जन्म का पुण्य, फिर स्वर्ग प्राप्ति के बाद भोग से अरुचि, और
बाद में जब नया जन्म लिया, या तो शुचि नाम श्री मताम गए या किसी योगी के घर में, तो वहाँ पर भी उसकी साधना चालू ही है। यानी देखिए अनेक जन्म हुए ना, इसलिए यहाँ बतलाया भगवान ने अनेक जन्म संसिद्धा तथा तथा यानी उसके बाद पराम गति आती, तब कहीं जाते उसको परागति यानी मोक्ष मिलता है। मोक्ष के लिए योगाभ्यास करने वाला भी यदि अंतिम समय तक अंतिम समय पर यदि योग भ्रष्ट हो भी गया, तो भी उसको इतना इतना प्रवास करने के बाद अंत में परागति प्राप्त हो ही जाएगी, ये बतलाया है। और ये सब बतलाने का भगवान अर्जुन को ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए उसका जो संदेश है वो यहाँ है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। ये है संदेश, हे अर्जुना योगी भव। यहाँ अर्जुन क्यों बोला? आप बोलेंगे कि हाँ उसका नाम था पुकारा, नाम तो है ही उसका अर्जुन, लेकिन अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है? अमर कोश में दिया है अर्जुन यानी शुभ, धवल, सुंदर, जिसमें कलंक नहीं है, शुद्ध। तो ये तुम अर्जुन हो, तुम अभी तक निष्कलंक हो। अभी हाँ थोड़ा सा तुम्हारा मन में जो डावाड़ोपन आ गया है, ये एक छोटा सा धब्बा है, छोटा सा कलंक है, क्योंकि तुम विवेक से थोड़ा सा दूर हट रहे हो। लेकिन ये छोड़ो, अभी तक का तुम्हारा जीवन तो पूरा अर्जुन ही है, शुद्ध है। तो इसलिए बताया है कि अर्जुना योगी भव, आज्ञार्थ का प्रयोग है कि तुम्हें योगी बनना है। देखिए यहाँ कोई इस प्रकार से ना सोचे कि आप खड़े तो हैं दोनों जन युद्ध भूमि पर और भगवान कहते हैं कि योगी बन जाओ, यानी क्या युद्ध भूमि पर तुम योगासन करो या ध्यान करो या प्राणायाम करो, ये बतलाया है क्या? नहीं, योगी भव यानी जुड़ जाओ। ठीक, अब क्या क्यों योगी बनना है इसका, इसके लिए ये श्लोक कहता है तपस्विभ्यो अधिको योगी। योगी जो है वो तपस्वी से भी अधिक है। क्यों? तपस्वियों को तो हम बहुत मान लेते हैं, तपस्या करना साधारण बात नहीं है, तो उनसे भी योगी क्यों बड़ा है? सोचिए, तपस्या जो है वो सहन शक्ति की परीक्षा है। यानी तपस्या में हो सकता है कि आपको धूप में, बारिश में, ठंड में, बर्फ में कैसे भी आप बैठे हैं, हिले नहीं। यानी क्या किया आपने? सब तरह की विषम परिस्थितियों को झेल लिया। तो ये झेलना यानी सहन शक्ति है। ठीक, भूख प्यास सब पर जीत लिया, माने ये क्या है? सहन शक्ति है। ये सहन शक्ति किसकी है? प्राण की है, मन की या बुद्धि की नहीं। इसलिए तपस्या का संबंध जो है वो प्राण शक्ति से है। और जरूरी नहीं है कि तपस्वी जो है वो भक्त हो, तपस्वी जो है वो योगी हो। योगी यानी जुड़ जाने वाला। मुझे बताइए रावण के समान कोई तपस्वी था क्या? कितनी भयानक तपस्या थी और उसमें वो जीत लिया। लेकिन तपस्या की, शंकर भगवान की, उन्हें प्रसन्न कर लिया, सब कुछ पा लिया, हाँ उसके बाद क्या हुआ? डावाडोल हो ही गया ना। यानी साक्षात जो जगन माता है
उस माता गौरी पे उसकी नजर गई। बताइए यानी क्या हुआ? वो योगी नहीं हुआ। योगी जो है वो भगवत में, भगवत तत्व में जुड़ जाता है। तो तपस्या जो है हिरण्यकश्यप ने भी की, मेघनाद ने भी की, रावण के पुत्र ने, इंद्रजीत ने। ये जो है तपस्वी जरूर है, तपस्या अच्छी है। ध्रुव ने की, ध्रुव स्थान पा लिया। लेकिन ध्रुव को क्यों हम मानते हैं? ध्रुव केवल तपस्वी नहीं है जी, वो भक्त भी है। भक्ति के साथ तपस्या होना बात अलग है और केवल तपस्वी होना बात अलग है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तपस्विभ्यः योगी अधिकः। ठीक, आगे क्या बोला है? ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानेभ्यः अपि अधिकः मतः। जो ज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी है माने काहे का ज्ञान है? देखिए, उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, पूरा कर्मकांड जानते हैं। जिस प्रकार से उनको जो भी ज्ञान, चाहे वो उपनिषद पढ़े, जो भी है उन दिनों में, अब ये तो गीता जी बता रहे हैं, यानी इस समय तो गीता पुस्तक के रूप में नहीं थी, न महाभारत था, तो इसलिए हम वो नहीं बोलते। लेकिन वेद थे, उपनिषद थे। ये जब जिस समय की बात चल रही है, अर्जुन के और कृष्ण की, उस समय ज्ञान क्या था? ये सारा ज्ञान था। बाकी भी ज्ञान था, आयुर्वेद था, धनुर्वेद था, गांधर्व वेद था। यानी केवल चार वेदों की बात मत कीजिए, कला की भी उपासना थी गांधर्व वेद से, शस्त्रों की उपासना थी इससे, धनुर्वेद से, साइंस भी था, आयुर्वेद था, सब ये ज्ञान है। ठीक, लेकिन यदि भगवान की भक्ति ही नहीं है, भाई ज्ञान है बड़ी अच्छी बात है, उसको तो ज्ञानी का तो मान देना ही चाहिए। वो मान जो है, सम्मान जो है, वो उसके ज्ञान को है। लेकिन वो ज्ञानी यदि अहम्मन्य हो गया तो, अरे मेरा सम्मान कोई नहीं जानता, ये यदि उसके मन में यदि अहम भाव आ गया तो भगवान से तो कोसों दूर रहा जी। यहाँ वो दुनिया में भी वो ज़्यादा प्रिय नहीं होता। लोग कहते हैं जाने दीजिए, वो बहुत ही अहम मन है, उनके घमंडी है बोलते हैं हम लोग, तो उस घमंडी के पास से हमको ज्ञान नहीं लेना। आप, आपके पास चाहे ज्ञान कम हो लेकिन आप में घमंड नहीं है, हम आपसे ही सीखते हैं। ऐसा होता है जो भक्त है ना, जो योगी है, योगी है माने जो युक्त है, भगवान से जुड़ गया है, वो जो है ना, चाहे ज्ञान कम भी हो लेकिन ऐसा लगता है तो उसके मुंह से निकलता है वो, हम सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, हम पवित्र हो जाए, ऐसा लगता है ना। ये तो हमको लगता है, सामान्य आदमियों को, यानी ये धरती की बात है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरे मत से, मतः बोला है, मतः माने मेरे मन से, मेरे मतानुसार ज्ञानेभ्यो अपि योगी अधिका। ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए भी, मेरे मतानुसार भी ऐसे अहम्मन्य पंडित से, शास्त्रों के पंडित से मुझे योगी अधिक प्रिय लगता है। आगे चल के बताया जाएगा, 12वें अध्याय में सभी कुछ आएगा कि कौन प्रिय है, कौन योगवित्तम है, ये सब पूछा जाएगा और तब उसके सारे उत्तर। मेरे ख्याल से जो गीता परिवार से जुड़े हैं उन्हें तो 12वां अध्याय मुखाग्र ही होगा और सब पता ही होगा। लेकिन जो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि जो नहीं है वे सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये सब जो है ना, इसका पूरा का पूरा सार 12वें अध्याय में मिलेगा। क्या बताया है? तपस्विभ्यो अधिको योगी, वही योगी ज्ञानीभ्यः अपि अधिकः मतः, ज्ञानी लोगों से भी वो योगी अधिक है, और कर्मिभ्यश्चाधिको योगी,
जो कमी है माने कर्म कांड में पूरे निपुण है, एक इतनी सी भी गलती उनके कर्म कांड में कभी नहीं होगी। जो कुछ भी करना है, चाहे पूजा करनी है, चाहे यज्ञ करना है, जो भी करना है उसमें उनके हाथ से इतनी सी भी गलती कभी नहीं होगी। ये जो है ये कर्मी है। फिर चाहे जो जितना भी संकट आ जाए उनके जो है नियम है उनसे वो जरा भी नहीं डिगेंगे। ये है सारे कर्मी। ठीक, इनसे भी ये कहते हैं योगी अधिक है। क्या होता है, जो कर्मकांडी है ना उनका सारा ध्यान कहाँ जाता है, ये ठीक हुआ कि नहीं, यानी हल्दी पहले कि कुमकुम पहले कि अक्षता पहले, बस उसमें ही इनका ध्यान है। भगवत तत्व की ओ न जाने होता है, यानी मुझे मालूम नहीं, मैं उतनी ये नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है जो कर्मकांड भी करते हैं और भगवत तत्व भी जानते हैं उन्हें प्रणाम मेरे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रूखे कर्मकांडी हैं। मीमांसक तो कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। हमें जो स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार, ये है मीमांसकों का कहना। अब ये मीमांसक भी यही कहे ना, तो वो क्या करते हैं, कर्म करो, कर्म में बिल्कुल आदर्श रहो, परिपूर्ण रहो, परफेक्शन होना चाहिए, ये है कर्मी। ठीक है, तो उनका सारा चिंतन का प्रवाह जो है वो कर्म किस प्रकार से शुद्ध हो इसी में रहता है। कर्म में गलती होती नहीं, उन्हें उसकी तकलीफ भी होती है, वो सह लेते हैं, सहन शक्ति उनमें है। वो कभी कुछ होता है करके अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे। वे बड़े कड़क भी हैं, कठोर भी हैं, सहनशील भी हैं, उनमें तितिक्षा भी है, लेकिन वो बोलते हैं ये हमारे कर्म के कारण हमें स्वर्ग मिलेगा। अहमभावी भी नहीं है, वो श्रेष्ठता किसको देते हैं, कर्मों को। लेकिन ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं मानते, तो होता क्या है, ये सारे के सारे जो है ना, चाहे तपस्वी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्मकांडी हो, इनमें भावना की जो आर्द्रता है ना, जो नरमाई है, जो मृदुता है, वो नहीं होती। कड़क रहते हैं सब के सब, कर्म के प्रति कड़क, ज्ञान के प्रति कड़क, तपस्या के प्रति कठोर रहते हैं। और जहाँ इस प्रकार की कठोरता है वहाँ कैसे भगवान होंगे जी। भगवान जो है वो स्नेह सिक्त मन में वो अपने आप आ जाते हैं। जहाँ कोई स्नेह सिक्त मन दिखेगा वहाँ तो उस मन में भगवान का वास है ही है। इसलिए ये बोला है कि योगी हो जाओ, योगी यानि भगवान से जुड़ जाओ, तो ये सबसे बड़ा कौन है, योगी है। भक्ति योग में यही तो बतला दिया है 12वें अध्याय में कि ये जो है भक्ति यानि क्या, मन की मृदुलता, किसी को भी दुख में देख के हमारा मन पसीज उठना, द्रवित हो जाना, ये है मन का, मन की कठोरता जहाँ है ना, जैसे कर्मकांडी है कठोर है, तपस्वी है स्वयं के लिए भी कठोर है, ये ज्ञानी है वो भी एक तरह से एक हद तक वे भी कठोर है, तो जहाँ कठोरता है वहाँ भगवान का वास नहीं। इसलिए बोला है तस्मान योगी भव अर्जुना, इसलिए तुम अर्जुन हो, शुद्ध मनस्क हो, इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ। ठीक है, अब अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक में बताया है योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना
श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। पहले क्या बताया, योगी भव, तुम योगी बन जाओ। अब क्या बोलते हैं, सर्वेषां योगी नाम अपि, ये सब जितने भी योगी हैं उस समय जितने भी होंगे, जब ये समाज चल रहा है कृष्ण अर्जुन का, तब जितने भी योगी वहाँ होंगे, ये बताया है कि सर्वेषां योगी नाम, यानी उन सब योगियों के बीच में अंतरात्मना मद गतेन, जो जिनकी अंतरात्मा मद गत है, मद गत यानि गत यानि गया हुआ, मद यानि मैं, जिनकी अंतरात्मा मुझ तक गई है, यानि जिनका मन मुझ तक पहुंच गया, बोलने वाले भगवान हैं, मुझ तक यानि भगवान तक, जिनकी अंतरात्मा मुझ तक पहुंच गई, यानि जिन्होंने बिल्कुल भाव विभोर मन से उसको पुकारा, बस भगवान है वह, मद गते न अंतरात्मना, ठीक है। इस प्रकार की अंतरात्मा से जो श्रद्धावान माम भजते, इस प्रकार की भाव विह्वल अवस्था से जो माम भजते, जो श्रद्धालु पुरुष या स्त्री, जो श्रद्धालु व्यक्ति माम भजते, जो मेरी भक्ति करता है, तमोमतः वही युक्ततम है। युक्त याने जुड़ा हुआ, तम पत्ते दिया है यहाँ, तम याने सुपरलेटिव डिग्री, याने युक्त, उससे अधिक युक्त और सबसे अधिक युक्त, वो है युक्ततम। युक्त याने वही जो जुड़ा हुआ है। यहाँ ये बतलाया है कि सर्वेषां योगिनाम अपि, सारे योगियों में जो कोई मद गते न अंतरात्मना, जिसकी अंतरात्मा मुझ तक पहुँच चुकी है, ऐसे श्रद्धायुक्त अंतकरण से जो मुझ तक पहुँच गया, जो माम भजते, बस स वो मैं यानि मेरे लिए युक्ततम है, वही मेरे लिए सबसे अधिक पास में है। युक्त माने जुड़ा हुआ, युज धातु है, युज धातु का एक तप प्रत्यय है, जो भी संस्कृत वाले हैं वो जानेंगे, युक्त यानि जुड़ा हुआ, तो वो जुड़े हुए लोगों में से वो सबसे श्रेष्ठ है। युक्ततम मतः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त कम मता। यहाँ ये बताया है कि तपश्चर्या भी एक मार्ग है, ज्ञान भी एक मार्ग है, कर्म भी एक मार्ग है, लेकिन श्रद्धावान जो है वो मेरा युक्त कम है। श्रद्धा जो है वही सबसे, क्या बोलेंगे, सभी मार्गों में सही दिशा देने वाला, यही एक होगा यंत्र है। और यहाँ पर आज छठा अध्याय समाप्त हो रहा है। अब पुष्पिका सब आप लोग मेरा साथ कहेंगे, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।